प्लीज कटला एक महीने मौज मारूंगा लौंडा हुआ हमारा कुआ कुआ बुझेगा किसी के लौंडे वौंडे वौंडा हमारा बहुत मलूक है। अब मिलेंगे सीधा एक महीने बाद। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू द नेदर व्लॉग। तो गाइज आज मैं रेडी हुई हूँ अपने कॉलेज फेयरवेल फंक्शन के लिए। तो आज है कॉलेज में फेयरवेल और मैं वहीं पे जा रही हूँ सुबह, इसलिए इनकी ये वाली हालत है कच्चे टी शर्ट वाली। सुबह अभी टाइम हो रहा है 9:30 और वहाँ की टाइमिंग है 10:30 की। और गाइज आज हमारे घर में आ गया है एक नया मेहमान, ये भी टाइटल हो सकता है, न्यू मेंबर इन द हाउस। तो गाइज आज हमारे घर में एक नया नन्ना मुन्ना मेहमान आया है, कटला। उसका नाम है गाइज कटला। कहेंगे टकला तो सुना है, कटला क्या होता है? अब भी कंफ्यूज होंगे कुछ कुछ जो नहीं बताएगी। तो गाइज भैंस भी आ गई है तो ये तो कितना अच्छा दिन है, देख रहे हो कल का दिन इतना अच्छा था। वो व्लॉग आपने देख लिया होगा, आज भैंस भी आ रही है। और देखो वो आया और मैं यहाँ से जा रही हूँ। गाइज मैं कॉलेज से ही ना घर पे ही चली जाऊंगी वापस। ये मेरा अभी आखिरी दिन तो यार इनके साथ सूख गया गला। तो मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, एक महीने बाद आ जाऊंगी। एक महीने बाद आ जाऊंगी, बात मत करेगा मेरे से। ठीक है, ये बोला है कि जा रही हूँ एक महीने बाद आ जाऊंगी। अब एक महीने में मौज में रहूंगा, लद्दाख जाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा, बेटा जाऊंगा, मौज मारूंगा मौज। अगर तुम कहीं एक महीने मौज मारूंगा किस किस को अपनी बीवी की जाने की खुशी होती है बताना, कमेंट करके बताना। पर मुझे नहीं है ये ऊपरी मन की। मैं तो दो दूसरी बीवियों की तरह चिड़चिड़ कहती नहीं हूँ, बल्कि तुम ही चिड़चिड़ कहते हो। जरूर अभी आते आते चार्जर भूली, फोन गिर गया था, फोन भूली भूली। ए तू मेरे को भूल तो नहीं जाएगी ना रे। सो गाइस सना मकबूल जीत गई है नेजी, और मुझे पता था कि दोनों, मतलब मुझे टॉप थ्री पता थे कि रणवीर और सना और नेजी होंगे। मैं चाहती थी कि नेजी जीते क्योंकि उसकी स्टोरी सुन के और मतलब ऐसा लगा कि बंदा अच्छा है, काफी इनोसेंट है, तो मुझे ऐसा मन था कि वो जीते। लेकिन सना भी जीती, मैं उसके लिए भी खुश हुई कि आई लाइक हर ऑल्सो। और मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदी ने ना हर दिन मैनिफेस्ट किया है उस ट्रॉफी के लिए। मतलब जैसे ब्लंटली वो बोलती थी कि भाई मुझे तो जीतना ही जीतना है, और पूरे मतलब बिग बॉस के घर वाले कैसे अपोजिट थे कि ऐसे बोल देती है। उसने लिटरली मैनिफेस्ट की है वो ट्रॉफी, और उसे कैसा फील हो रहा होगा ना। और मतलब वो जीती है तो ये है कि चलो कम से कम कोई तो डिजर्विंग जीता। और मुझे ये था कि लवकेश जीते या विशाल, और जो स्टार्टिंग में आए थे ना वो फोगाट, कौन है वो रेसलर, वो बंदा भी अच्छा था। और ये जो अच्छे अच्छे थे ना इन्होंने पहले ही निकाल दिए, बिग बॉस ने गंदी गेम खेली इस बार। बट ये कि चलो कोई डिजर्विंग ही जीता है। अरमान या कृतिका जीतते तो मूड खराब हो जाता सारा, जीतते ही नहीं, कोई चांस ही नहीं था। अब वो बचते आ रहे थे ना, वो बस बिग बॉस की स्ट्रेटेजी से ही बचते आ रहे थे वो बस। तो अब गाइस थोड़ा सा ना ट्रैफिक लग रहा है, बट हम पहुंचने वाले हैं मेट्रो पे। तो यहाँ से ये मुझे छोड़ देंगे मेट्रो पे क्योंकि इन्हें घर पे भी कुछ काम है आज। लौंडा हुआ हमारा कुआ बुझाएगा किसी के लौंडे वौंडे हुई हो, मतलब कटिया हुई हो, तो रिश्ता ले लियो, लौंडा हमारा बहुत मलूक है। भैंस का कुआ बुझेगा तो उसे कैसे चुन्नी पहना के और ऊपर कलश लगा के ले गए, सोचो कैसे लगेगा, इमेजिन करो। अभी तो वो नहाएगी फिर खाएगी, अभी तो उसका दूध निकलेगा। पापा कह रहे मैं ऊपर थी, कह रहे नया मेहमान आया है। कौन मेहमान आया? सुबह सुबह कौन आ गया? मैं नीचे गई पापा से पूछा कौन सा कौन मेहमान है, तो कह रहे देख ही रहा। तो गाइस हम बस मेट्रो पहुंचने वाले हैं, मैं पहुंचती हूँ। और ये सावन का महीना है, और सावन के महीने में देखो धूप कितनी कैड़ी निकल रही है। सावन के महीने में बिल्कुल भी इस बार बारिश नहीं हुई सच में यार, एक दिन हुई थी, एक दो बार बस, वो इतनी तगड़ी हो गई कि जिससे भाई साहब सारे में पानी पानी हो गया सच में। और ये सूट तो आपने देखा ही हुआ है, मैंने ब्लॉग्स में पहना हुआ है और फोटोज वगैरह भी है।
मेरा मन मतलब और भी थे कि मैं पहन सकती थी, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। बेटा मैं एक महीने बाद मिलूंगी तुमसे। बेटा मैं एक महीने पूरी मौज मारूंगा, इधर उधर हैंड तो डोलूंगा। मैं तुम्हें क्या, तुम हैंड ना क्या, मैं थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, तो मैं तो तुम्हें रोकती भी नहीं हूँ कहीं जाने आने जाने से। और मौज मारूंगा मतलब। ठीक है, तुम मौज मारना। और गाइस सबके लिए एक और गुड न्यूज है कि मेरी फॉलोइंग में से कुछ लोग अनफॉलो होने वाले आज ही। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा था, तो मैं आज उन लोगों को अनफॉलो मार दूंगा। मतलब अब ना ऐसे हो गए हैं हम कि पहले ही सोचते थे कि यार ऐसे कर दिया तो क्या क्या सोचेगा कोई, ये वो। पर अब ये है कि भाई जो तुम्हारे साथ मतलब सच में रियल रहना चाहते हैं ना, उन्हीं के साथ रहो, उतने ही लोग रखो अपनी लाइफ में, और उन्हें निकालने से पहले एक बार भी मत सोचो। जो मेरे बारे में सोच रहा भाई साहब, सोचते रहो आप, अब सोचते रहो, अब मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो क्या वो देंगे, वो करेंगे हमारी हेल्प? बहुत सारी चीजें हो जाती है। अब मैं अनफॉलो मार दूंगा, और अनफॉलो मारने का मतलब ये है कि मैं अब उन्हें जिंदगी में से निकालूंगा। कि जिंदगी में कभी वो मिलेंगे ठीक है, प्यार में सबके साथ में ट्रीट करूंगा, लेकिन मैं किसी से ना तो एक्सपेक्टेशंस रखूंगा और अपने मन में इस तरह से चीजें वो नहीं बनाऊंगा कि जैसे मैं पहले सोचता था कि अरे ये है वो है, चलो इस तरह से खातिरदारी करो ये करो। ठीक है यार, नॉर्मल है। अब मुझे अब किसी की कोई वो नहीं है कि भाई इससे मेरी वो है, मुझे गुस्सा आ रहा है इसे देखकर। नहीं, अब कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, अब सब ठीक है बस। अब चलो गाइस, अब मैं पॉजिटिव मेट्रो पे फिर मैं आपसे मिलूंगी। गाइज अभी मैंने क्लिप्स देखी कि मैं भूतनी लग रही थी दोनों बालों को ऐसे डाल के, तो अभी मैं एक क्लिप ऐसे ले लेती हूँ जिसमें शायद मैं सही लग रही हूँ। तो गाइज मैं निकल रही हूँ और मैं यहाँ से जाऊंगी घर पे। यहाँ से घर पे जाओगी? मतलब नहीं, मतलब वहीं से ही घर पे चली जाऊंगी। अब मिलेंगे सीधा एक महीने बाद इनके व्लॉग में। बीच में भी मिल सकते हैं वैसे, क्योंकि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है नहीं, तो हम कभी भी मिल सकते हैं अगर चाहो किसी की तो, अगर हो तो, और किसी के ना ही हो तो। मेरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुम्हारा, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि बस छोटी चाह। अच्छा वैसे लोगों को ना, लड़कों को लगता है कि छोटी जान, पर यहाँ पे तो हमें लग रहा है और क्या। जब से घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। अरे नहीं, फिर घर जाते हैं तो तुम्हारी याद आने लगती है, यहाँ आते हैं तो घर वालों की याद। एक महीने बाद के व्लॉग में अगर बीच में कभी ऐसा कुछ प्लान बना कि हम मिले या जो भी चीज हुई, तो आपको व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगी। कि तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना और व्लॉग को प्यार देना, बहुत ज्यादा देना। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।
क्लास की पहले वाली गर्मी से बुरा हाल है गाइस। हाँ, ये बोल रही थी प्रियंका।